दोस्तों, मैं मलिनाथ पशु मेले के अंदर हूँ और यहाँ पर किसानों के घरों में काम आने वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी है। भाई साहब लेके बैठे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? सादिन खान जी, क्या बात है? सुस्त कैसे हो? सुस्त बोले, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए। अच्छा, गर्मी की वजह से हो। क्या क्या माल है आपके पास? बहुत अलग अलग तरह की वेरायटी रखी हुई है। ये क्या चीज़, इसको क्या बोलते हैं? ये रंदा है। रंदा, एक सुतार के लिए? सुतार के काम आता है। सुतार के काम आता है। और ये? ये बसोला। अच्छा, बसोला है, मतलब सुतार वाला सारा आइटम रखा है। हाँ। और ये? ये कुवाड़ी है। अच्छा, कुवाड़ी। अच्छा, इन्हें कुवाड़ी कहते हैं। और आ? ये हथौड़ी है। अच्छा, हथौड़ी है। हथौड़ी की वैरायटी घनी है? नहीं, वैरायटी अलग अलग है। ये छोटे में काम आती है, ये किले मोड़ने में काम आती है। हाँ। ये किसानों के काम आती है घर के लिए। अच्छा। और ये लकड़ी में होल करने के लिए आती है। अच्छा। ये आ रही है लकड़ी काटने की। अच्छा, आ रही। ये अभी आ रही है, ये उससे अच्छी आ रही है। हाँ। अलग अलग वैरायटी रखी पूरी, ये आ रही है। वो आ रही की है। हाँ। अच्छा, आ रही में तो आपने पूरा कवर हवर पूरा मॉडर्न भी कर दिया। हाँ। अच्छा, ये क्या काम आता है? ये गिरमिट बोलते हैं, लकड़ी का होल करने के लिए, ये जैसे कि चारपाई वगैरह सालने के लिए। गिरमिट। और ये फ्रेम है लकड़ी या लोहे काटने वाला? लोहा काटने वाला। हाँ, इसके अंदर ये ब्लेड लगती है, ये लोहा काटने के लिए। अच्छा। हाँ। तो ये कितने मेलों में जाते हो आप? हम तो राजस्थान के मेले काफी करते हैं। एक चीज पीछे दिख रही मेरे को, जो ये चीज है, ये चीज है किसानों के घर में ब्याह शादी काम आने वाली। अच्छा। हाँ। मतलब चारपाई बनाने का। हाँ। लकड़ी छीलने का, हलवा बनाने का, मतलब किसानों को तंदुरुस्त रखने के सारे आइटम। मतलब किसान के, ये आम किसान भी खरीदते हैं या जो मिस्त्री है वही खरीदते? मिस्त्री आम किसान खरीदते हैं। आम किसान, छोटा मोटा काम होता है तो वो अपना मोटा सब। ये किसानों का ही मेला है, किसानों के आइटम है। हाँ। अच्छा अच्छा, इधर एक दुकान और है, ये भाई साहब और हैं लगे हुए, इनसे इनके पास क्या क्या आइटम? ये अपने है। अच्छा, आपके है। ये यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? ये देखो सर, ये है पत्थर की बनी हुई मकराना का पत्थर है। अच्छा। ये इसमें मसाला कूटने, इलायची है, अदरक है वगैरह चाय कूटने के लिए। ये स्टील का आइटम है, ये भी चाय के मसाले में काम आता है। अच्छा। ये तो ये नींबू का रस निकालने के लिए काम आता है। अच्छा, नींबू का रस निकालने के लिए। हाँ, ये अदरक छीनने का काम आता है। ये देसी दोई लकड़ी की बनी हुई, तो ये राबड़ी है जो मिट्टी के बर्तन में सब्जी पकाने काम आती है। अच्छा, ठीक है। ये सारी ये किसानों के काम आने वाले आइटम है। ये बड़ी नयाब चीज है, ये जिसको बोले डोयला। अच्छा, थोड़ी बड़ी है तो बड़ी है। अच्छा अच्छा। और ये है मथनी। मथनी, जैसे आपने झरना बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, मथनी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे ये बुजुर्ग खड़े हैं। हाँ। इसको क्या बोलते हैं अंकल जी, आपके इसको डोई बोलते हैं। डोई। ये क्या क्या काम लेते हैं घर में? ये घर में सब्जी बनाओ। हाँ। रब, पहले जूने वक्त में जो रहा। हाँ। बूढ़े डोकर लेते थे। हाँ। उसकी रब बनाओ, गांठ बनाओ। हाँ। सब में काम आते हैं। डंडी बड़ी लंबी है, मतलब बड़े परिवार के लिए? बड़े परिवार, छोटे परिवार, सभी में काम आ जाएगी। अच्छा, सभी परिवार के लिए बर्तन, मतलब बड़ा बर्तन हो तो भी है? हाँ, ये मिट्टी का बर्तन हो, चाहे लोहे का बर्तन हो, चाहे कॉपर का बर्तन हो, कोई भी बर्तन हो उसमें काम आ जाएगी। ये लकड़ी क्यों इस्तेमाल करते थे? ये लकड़ी, इसमें बीमारी नहीं होती है। अच्छा। और लोखन में कट हो जाता है। हाँ। इसमें कोई बीमारी नहीं होती है। और ये घसती है तो कोई नुकसान? घसती हो तो कुछ नुकसान होने वाला इसमें नहीं। अच्छा, मतलब पच जाती, डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें ये जैसे अपने आटा पेट से कैसे उतरता है, इसी प्रकार से पेट में उतर जाती है। अच्छा, आटा बन के उतरती है। बहुत सुंदर। और भी चीजें हम दिखाते हैं इनके पास, बहुत सारी चीजें। वो कुछ टोकरे टाइप के वो रखे हुए हैं। ये क्या है? ये ओहो, कितनी सुंदर आवाज है। हाँ, क्या कैसे? ये गाय के लिए, बकरी के लिए, गले बांधने के लिए, चराने जाते के लिए बांधते हैं। अच्छा, चराने जाते थे। हाँ, इनकी आवाज से भेड़ बकरी एक साथ चलती है। अच्छा। आवाज से। और वो बड़े वाले की आवाज? ये बड़े वाले की आवाज और परफेक्ट है। ओहो, कितनी प्यारी आवाज। ये बाड़मेर की प्रसिद्ध टोकरी है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये तो एक तरह का मेडिटेशन कर रही है। तो ये अलग अलग, इनकी साइज अलग अलग कैसे है? छोटी बड़ी है, जैसे कि सब अलग अलग प्रकार, छोटी बड़ी है। अच्छा, सब में अलग अलग साउंड है। अच्छा, ये बीकानेर की है। बीकानेर बाड़ वाले में फर्क क्या है? फर्क यही है, उनकी बनावट अलग है, उनकी बनावट अलग है। अच्छा, आवाज? आवाज तो ये बाड़मेर वाले में सबसे अच्छी है।
इसमें लकड़ी का क्यों लगाया? लकड़ी में इसका आवाज नहीं उतरेगा, आवाज अच्छा रहेगा इसे। अच्छा, ये धातु कौन सा है बनाने के लिए? धातु इसमें चार पांच धातु में लोहा है, तांबा है, पीतल है, गिल्टी है। अच्छा, आप ये घर पे बनाते हो? हाँ, घर पे। बहुत शानदार आवाज। ये आप मिट्टी खुद पकाते हो उसको? हाँ जी यार, बहुत मेहनत करते हो आज के जमाने आप लोग। मिट्टी में पका के बनाते हो? हाँ बिल्कुल, ये मिट्टी में डालनी पड़ती है, एक हफ्ता तक दो हफ्ते तक मिट्टी में रहती है। ये मिट्टी में रहती है? ऊपर से पीतल गला के खिलाना पड़ता है। अच्छा, ये देखो इनका आयुष्य बढ़ गया, मिट्टी में हाथ इनके पक गए। अच्छा, ये कहाँ पर काम होता है इसका पूरा कार्यक्रम? गाँव में होता है, ये हमारे गाँव में, सियाणी गाँव में। सियाणी रामसर, जैसलमेर में? जैसलमेर नहीं है, बाहर में, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए राजस्थान की बहुत सारी चीज़ें जो लोग घरों में यूज करते हैं उन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। वैसे इनके पास आइटम बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ें दिखाने का प्रयास किया जो आम आदमी अपने घर में इस्तेमाल करता है। क्या आपके घर में भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं? जरूर कमेंट करें, मैं आपको फौजी भाई फिर आ जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।